नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम झा। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव अभी बातचीत करने के लिए मेयर के सबसे अहम कैंडिडेट हाजीपुर से दरोगा खान जी एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। दरोगा खान जी क्योंकि इस बार पहली बार चुनाव मैदान में हैं, हाजीपुर से मेयर के प्रत्याशी हैं और इन दिनों पूरे क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, पूरे शहर में विजिट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे हाजीपुर में कैंडिडेट हैं, अगर देखा जाए तो 4-5 को चेहरा जो है बड़ा प्रमुख रूप से है, लेकिन दरोगा खान जी का एक इंटरनल रूप से सपोर्टिंग वोटर भी है जो आपको कैमरा पर दिखाई नहीं देगा। कैमरा पे वही लोग सामने आते हैं, वही वोटर सामने आते हैं जो वोट के बारे में किसी और के लिए कहते हैं और वोट किसी और को देते हैं। दरोगा खान जी से पहले जिस तरीके से हमने बात किया था तो इनको पूरा भरोसा है कि हाजीपुर के नगर परिषद के जो सीट है सभापति का, वो इस बार ये कब्जा लेंगे जनता के वोट से, क्योंकि जनता पे इनको इस बार पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस है। हालांकि माई समीकरण भी इनके लिए इस बार अहम मैटर रखता है। दरोगा खान जी से जुड़ेंगे कि जिस तरीके से चुनाव भी अब नज़दीक है और लगातार ये क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में हम आपको ये भी बता दें कि दरोगा खान जी उस एरिया में विजिट कर रहे हैं जहां से इनका पकड़ मजबूत है और उस जगह से इनको उम्मीद है कि जो है ये इनको इस बार वोट वहां की जनता करेगी। लेकिन तमाम मुद्दे पर जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशन टीवी बिहार पर आपका। जी धन्यवाद। पिछले बार जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो बहुत तरह की बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि इस बार जनता पे भरोसा है और भ्रष्टाचार को हम लोग मुद्दा बना के जो है चुनाव जीतेंगे। भ्रष्टाचार का तो मुद्दा हमेशा से हाजीपुर नगर परिषद पे लगता रहा, करोड़ों का गबन का भी नगर परिषद पे आरोप लगा। हालांकि आप भी 2-2 बार वार्ड कमिश्नर रहे, क्या कुछ माहौल इस बार कह रहा है, कितना वोट मिलेगा, कितना जो है फैक्ट पॉइंट है आप में बताइए। 25,000 सुपर वोट मुझे मिलेगा, मार्जिन बहुत ज़्यादा मार्जिन रहेगा, हार जीत का मार्जिन जिस हिसाब से शहर में कैंडिडेट आ रहे हैं, बहुत कैंडिडेट लोग आ रहे हैं, 25,000 से ऊपर वोट मुझे मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कैंडिडेट जिस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, आए दिन लगातार जो है नए नए लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन कुछ जो कैंडिडेट हैं जो जिनका नाम पहले से ही फिक्स है, पहले से सत्ता पे काबिज भी रहे, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपका भी नाम जिस तरीके से उभरा है तो आप भी उस क्षेत्र के परिधि में आ गए हैं, तो क्या लगता है जितना कैंडिडेट बढ़ रहा है तो वोट आप पे इफेक्ट करेगा या फिर वोट जो है आप में मर्ज होगा? कैंडिडेट जो बढ़ रहे हैं तो हर एरिया से बढ़ रहे हैं और चुनाव जो भी लोग लड़ रहे हैं, जो म्यूनसिपलिटी को जो कब्जा करके जो लोग रखे हुए थे, उन लोग को ज़्यादा डर हो रहा है कि दरोगा खान चुनाव ऐसा ना हो कि जीत के आ जाए, क्योंकि हमारे ग्राफ को वो लोग देख रहे हैं कि हर समाज का हमारे साथ वोट जो जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं कि ऐसा ना कि दरोगा खान कैसे मैदान में ही आ गया। खुद आपस में वो लोग बात करते हैं कि लड़ाई दरोगा खान से रहेगा। अच्छा, अब कुछ एरिया में तो आप लगातार शहर के जो वोटर्स हैं उन लोगों के बीच आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक जो है उन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, और हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत भी की, उसमें आपका जो है सब लोग कह रहे हैं कि भाई हम दरोगा खान जी को वोट करेंगे ऑफ कैमरा। लेकिन दिग्घी पूर्वी पश्चिमी में आप विजिट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? उधर यादव का क्षेत्र है इसीलिए विजिट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है, इधर से आपका मैनेज हो जाएगा? देखिए, दिग्घी पूर्वी पश्चिमी का जहाँ बात है तो वहाँ कुछ लोग हमारे दोस्त लोग हैं, उनकी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वो टेकअप कर रहे हैं। मेरा टारगेट है दिग्घी पूर्वी पश्चिमी से 2000 वोट लेके हम चढ़ें, वो उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं कि जहाँ से वोट आ जाए, और ऐसे मिलना जुलना तो हो रहा है लेकिन हाँ टारगेट वहीं चल रहा है जहाँ से वोट आराम से आ जाए, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं, जान नहीं किधर से, थोड़ा सा मेहनत करेंगे वोट उधर से आ जाएगा, उसमें ज़्यादा फोकस हो रहा है। तीन जो पंचायत मर्ज किया है, तीनों एरिया से जो है यादव के कैंडिडेट उभर रहे हैं, तो शहर में जो ऑलरेडी यादव हैं वोट आपके पक्ष में करेंगे या फिर जो है उधर मूव कर जाएंगे? नहीं, लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से यादव कैंडिडेट आ रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि दरोगा जी चुनाव आप ही से किसी को लड़ाई होगा, जो हम लोग वोट बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यादव में कोई कैंडिडेट जितने उतने जा नहीं रहे हैं, इसलिए वोट आपको करेंगे, इसलिए उम्मीद जता रहे हैं कि हाँ वोट हमको मिलेगा।
आपको पहले बोल दिए हैं कि भाई यादव के कैंडिडेट जो खड़ा भी हुए हैं तो मतलब वो चुनाव उनाव नहीं निकालेंगे। हाँ, वोटर लोग से जो बात हो रही है, जो राजनीति थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यादव में कैंडिडेट जिस हिसाब से आ रहा है, तो दरोगा जी लड़ाई आप ही से किसी को रहेगा, तो हम वोट इधर उधर नहीं देंगे कि कोई और चुनाव जीत करके आ जाए, और आप अच्छे हैं, आपको सब लोग जानते हैं, और हम लोग भी चाहेंगे कि आप ही जीत करके आए। आपको बता दें कि हाजीपुर नगर परिषद में अच्छा खासा मुस्लिम का वोटर्स है और एकमात्र ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी चर्चा में हैं और पूरे क्षेत्र में लगातार विजिट कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त में अभी तक कोई जो है मुस्लिम चेहरा जो है हाजीपुर नगर परिषद के लिए अभी तक उभर के नहीं आ पाया है। यही कारण है कि इनको जो है वोट का प्रतिशत लगभग पूर्ण रूप से मिलेगा और पूर्ण बहुमत भी मिलने की संभावना है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कौन से उम्मीदवार जीतेंगे, ये नेशन टीवी अभी क्लियर नहीं करेगी। लेकिन कुछ और जान लेते हैं सर से, माहौल क्या कुछ कहेगा लास्ट तक, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार सब हैं उभर के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ही जो है काम किए हैं तो हमको ही जो है जनता वोट करे और वोट करे तो फिर क्षेत्र का विकास करेंगे। विकास का हुआ है कि नहीं हाजीपुर में आपके नज़र में, अगर विकास के मुद्दा को हम लोग अगर आगे ले जाए, क्योंकि आप भी लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेके ही और विकास को जो है मेन टारगेट आप किए हुए हैं कि विकास करेंगे, क्या लगता है? हम अगर चुनाव जीत करके अगर आ जाते हैं तो मेरा पहला टारगेट रहेगा कि 45 वार्ड कमिश्नर का मीटिंग करेंगे, उसको एक लाइन में बोलेंगे कि भ्रष्टाचार तुमको नहीं करना है। जो यहाँ जो धंधा लोग बना लिया है कि 25,000-30,000 रुपया एक मकान में घूस लेता है ऑफिस के नाम पर, सबसे पहले वो बंद करवाएंगे, न तो कहेंगे कि भाई आप जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। गरीब आदमी लोग का मकान बनता है, वो लोग 20,000-25,000 रुपया पहले पैसा ले लेते हैं, उसके बाद पैसा कहाँ से रहेगा जो पैसा देगा। पहले ही लोग टारगेट करते हैं कि पैसा जो पैसा देगा उसका मकान बनाएंगे। पहले वार्ड कमिश्नर लोग को पहले ये हमको समझाना पड़ेगा कि ये सब धंधा आप लोग छोड़िए। पहले तक तो अभी तक जो चुनाव हुआ उसमें वार्ड कमिश्नर, सभापति, मेयर, अध्यक्ष ये सब के पक्ष में काम करते थे या फिर विपक्ष में रहते थे। आप तो न लेना न देना वाला मैटर हो जाएगा, क्योंकि आपको भी जनता ही वोट करके जिताएगी और जो वार्ड कमिश्नर हैं वो उसको भी जो है जनता ही वोट करके जिताएगी, तो आप कहेंगे तो वार्ड कमिश्नर आपकी बात को जो है एक्सेप्ट करेंगे, मानना होगा। चूँकि अब तो चेयरमैन को तो आप 5 साल हटा नहीं ना सकते हैं, तो हमारे हिसाब से चलना ही पड़ेगा लोगों को। अगर विकास करना है और भ्रष्टाचार नहीं करना है तो भ्रष्टाचार इसी में ना होता है। लोग सब वार्ड काउंसलर का तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ वार्ड काउंसलर लोग जो रहते हैं जो धंधा बनाए हुए रहते हैं, अब उठा के सर्वे कर लीजिए पूरे शहर का, 2-4-5 को वार्ड में मालूम होगा कि लोग ना लिया ना, तो हर वार्ड में 20,000-25,000-30,000 रुपया लोग लिए हैं, ये अच्छी बात नहीं ना है। एक चीज़ और जान लेते हैं, चूँकि बिहार में हमेशा से जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत चुनाव को ले लें, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, कोई चुनाव को ले लें, तो सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट अगर होता है तो जाति समीकरण पे। भले ही लोग जो है कहते हैं कि विकास का मुद्दा है, लेकिन मुख्य वजह बिहार में यही है। बिहार हो गया, आपको यूपी हो गया और झारखंड भी इधर हो गया, तो बहुत सारे ऐसा जगह पर भी है, खासकर बिहार तो राजनीति का गढ़ माना जाता है। नगर निगम का भी चुनाव में यही बात सामने उभर के आ रहा है कि जो आदमी जो है जिस कास्ट के हैं लोग उसके तरफ जो है मूव कर जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपको सारे लोग वोट करेंगे हाजीपुर की जनता? मुझे करेंगे, और जो टारगेट से जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिस इलाका से हम लड़ रहे हैं, है ना, इधर कैंडिडेट ऐसे नहीं है, हम इकलौता इधर कैंडिडेट हैं, और चूँकि मुझे तो पूरे शहर में काम करना है, सब लोगों का काम करना है, तो हमको विश्वास है कि चुनाव हम ही जीतेंगे। और चूंकि जाने से रुझान पता चलता है, पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक का रुझान पता चलता है कि पब्लिक क्या चाह रहा है, तो पब्लिक में तो हम देख रहे हैं, फिर हम किसी और से सर्वे करवाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं दरोगा भाई बोल रहा है लोग कि आपको हम वोट देंगे, और काम विकास होगा, अब बहुत ज़्यादा ही सब विकास होगा, ईमानदारी से विकास होगा।